नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल टीवी से। इस समय हम मौजूद हैं हिंदू गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला रोड पर, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है। इस समय हमारे पास प्रवीण जी मौजूद हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये कैंप लगाया गया। उनसे करते हैं कुछ सवाल और लेते हैं कुछ जवाब। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार जी। सर, क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? जो कोविड वैक्सीन इंजेक्शन लग रहे हैं, और हमने 16 तारीख को भी ये कैंप लगाया था, जिसमें 195 लोगों ने जो है ये इंजेक्शन लगवाया। और अब भी हमें जो टारगेट दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 200 इंजेक्शन का दिया गया है, परंतु हमें उम्मीद है कि ये भी कम रहेंगे। हमें अगर ज़्यादा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है और सबको पता है आराम से इंजेक्शन लग रही है, किसी प्रकार की आपाधापी नहीं है। और क्योंकि ये जो संस्था है ये एक सामाजिक संस्था है, और यहाँ पे मतलब हम लोग काफ़ी बच्चों को निशुल्क एजुकेशन भी देते हैं। कितने से कितने साल के लोगों के लिए कैंप है यहाँ पे? 18 प्लस और 44 प्लस के बच्चे, उनके लिए कैंप है। तो मैं तो स्वास्थ्य विभाग का और धार्मिक संस्थाओं का, जो जिन्होंने भी ये कैंप लगवाए हैं, उनका भी धन्यवाद करूँगा। तो पहले से प्री बुक लोग ही वैक्सीन लगवा सकते हैं या कोई ऑन द काउंटर भी है? अगर कोई ऐसा भी है कि जिन्होंने बुक कराए हैं उनको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, बाकी कोई भी आके लगवा सकता है। ऐसा हमारी वो नहीं है कि हमें तो इस बीमारी से हर व्यक्ति को निजात दिलवानी है। कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है ऑन द काउंटर? इस समय हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन के नोडल ऑफिसर मौजूद हैं, जो इस समय कोविशील्ड जो ये वैक्सीन लगाई जा रही है हिंदू गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, उन्हीं की अध्यक्षता में लगाई जा रही है। उनसे भी कुछ सवाल करते हैं और जवाब लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज ये किस बारे कैंप लगा हुआ है? कोविशील्ड वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है। किस किस एज ग्रुप का है? 18 से 44। इस समय हमारे साथ अर्पित चौधरी जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है आज के पूरे वैक्सीनेशन कैंप और संस्था के बारे में। जी नमस्कार अर्पित। नमस्कार जी। सर, मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो संस्था है वो 12/12/1912 शहर की सबसे पुरानी शैक्षणिक संस्था है, ये जो हमेशा किसी भी आपदा के दौरान हमेशा शहर के साथ खड़ी है। तो इसी को देखते हुए जब कोविड की दिक्कत शहर में आई, तो संस्था ने निर्णय लिया कि क्यों ना शहर के अंदर कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाए। तो ये हमारा दूसरा कैंप है। पहला कैंप हमारा 16 तारीख को था, जिसमें हमारे को 195 लोगों ने इंजेक्शन लगवाया, और आज हमारे को 200 टारगेट है। लेकिन हमारे को उम्मीद है कि आज हमारे 200 से ऊपर ही लोग कैंप लगवाए वैक्सीनेशन करवाएंगे। अर्पित जी, आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? सर, मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि हमारे बिना बुलाए आप खुद स्वयं आए। जैसे कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं, दुनिया डेली कैंप लग रहे हैं, आप खुद जाएं और अपने आप से आगे जाकर कहें कि मेरे इंजेक्शन लगवाएं। प्लीज़, हर आदमी इंजेक्शन जरूर लगवाएं, इंजेक्शन ही बचाओ।